पिछले क्लास में हम लोग लॉग और एंटी लॉग ये पढ़े थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। नॉनस्ट इक्वेशन में सेल्फ पोटेंशियल वैल्यू निकाला जा सकता है, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर पता है तो उसके अनुसार से। अब आज बात करते हैं कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एनोड अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैथोड भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब उस कंडीशन में हम लोग एन का वैल्यू क्या लेंगे और आने वाले समय में क्या चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक एक करके कंडीशन वाइज करके देखते हैं। जैसे देखो, अगर एक कंडीशन ये है ए इन सॉलिड स्टेट ए 2+ इन एक्वस फॉर्म C+ इन एक्वस फॉर्म एंड C इन सॉलिड स्टेट। बोर्ड पर देखना, बाद में कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे। यहां पर आप बताओ, यहां एनोड कौन है? ए। और कैथोड कौन है? सी। अगर इसका हम लोग एनोड हाफ रिएक्शन लिखते हैं, एनोड हाफ रिएक्शन, तो ए जो सॉलिड स्टेट में है ये कन्वर्ट करेगा किसमें? ए 2+ इन एक्वस फॉर्म और साथ में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन में C+ इन एक्वस फॉर्म है, ये कन्वर्ट करेगा किस में? सी इन सॉलिड स्टेट। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, ए इन सॉलिड स्टेट प्लस 2C+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव ए 2+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 2C इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये लिखा गया। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग इसका नॉनस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो इसका नॉनस्ट इक्वेशन आएगा ई सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log। अब ध्यान से ऊपर में प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो देखो यहाँ प्रोडक्ट में क्या है? A 2+ और ये क्या है? 2C। और ये किस स्टेट में है? सॉलिड में। और सॉलिड के लिए क्या लेते हैं हम लोग? 1। तो ये पार्ट के लिए तो 1 हो गया, तो ऊपर में यहाँ पर लिखा जाएगा A 2+ और नीचे में रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट साइड में आओ, ए इन सॉलिड स्टेट, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1। और ये 2C+ है, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो इस जगह पर आ जाएगा C+ to the power। ये चेंजेज आ गया। अब अगर डायरेक्ट ये लिखते हैं C+ to the power 2 तो कन्फ्यूजन होता कि ये पावर 2 कहाँ से आ गया, इसलिए हम इसको ओवरऑल सेल रिएक्शन के अनुसार से किए कि एक्चुअली नॉनस्ट इक्वेशन में ये प्रोडक्ट ऊपर में आता है और रिएक्टेंट कहाँ जाता है? नीचे में। और आगे में ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में चला जाता है। अगर यहाँ 4C+ होता तो C+ to the power क्या लिखते हैं? 4। और N का वैल्यू जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। और यहाँ क्या है? 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो गया ना, तो यानी N का वैल्यू इस जगह पर कितना लेंगे हम लोग? 2 लेंगे। एक और बताते हैं, A इन सॉलिड स्टेट A+ इन एक्वस फॉर्म C+ इन एक्वस फॉर्म एंड C इन सॉलिड स्टेट। अब इसका एनोड हाफ रिएक्शन लिखते हैं पहले, एनोड हाफ रिएक्शन आप बताओ क्या लिखें? A इन सॉलिड स्टेट इट गिव A+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन में C+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 3 इलेक्ट्रॉन C इन सॉलिड स्टेट। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ओवरऑल सेल रिएक्शन। यहाँ क्या बचा? 3A इन सॉलिड स्टेट प्लस C 3+ इन एक्वस फॉर्म
इट गिव 3a प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस c इन सॉलिड स्टेट। अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन आप बताओ, सबसे पहले n का वैल्यू कितना लिखें, 3, क्योंकि यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन, वो n का वैल्यू हो गया। और जब नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इसका, ये आ जाएगा e सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT by NF log। आप बताओ ऊपर में क्या आएगा, a प्लस टू द पावर 3 और इसके जगह पर क्या 1। अगर ये भी एक्वस रहता तो ये भी ऊपर में आ जाता, लेकिन ये एक्वस में नहीं है, आगे जरूरत भी पड़ेगा इसका, ये एक्वस में नहीं है इसलिए इसकी जगह पर 1। तो यहां पर आ गया a प्लस टू द पावर 3 और नीचे में 3a इसके जगह पर क्या 1 और ये क्या है C3+, ये C3+ आया। समझ में आया? एक और टाइप ये हो सकता है, a इन सॉलिड स्टेट A2+ इन एक्वस फॉर्म C3+ इन एक्वस फॉर्म एंड C इन सॉलिड स्टेट, ये दिया हुआ है। पहले एनोड हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, एनोड हाफ रिएक्शन ए इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट किया ए 2+ इन एक्वस फॉर्म, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन, इसमें C3+ इन एक्वस फॉर्म प्लस 3 इलेक्ट्रॉन सी इन सॉलिड स्टेट। अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बताओ क्या लिखे यहाँ पर, 3a इन सॉलिड स्टेट प्लस 2C3+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव 3A2+ इन एक्वस फॉर्म 2C इन सॉलिड स्टेट। आ गया ये, अब आप बताओ n का वैल्यू कितना लिखे, 6 और नेक्स्ट इक्वेशन e सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF, तो यहाँ n की जगह पर 6 डाल देंगे, log। अब आप बताओ प्रोडक्ट में क्या बचा, ये तो 1, a 2 प्लस टू द पावर क्या लिखेंगे 3, a 2 प्लस टू द पावर 3 और यहाँ पर C 3 प्लस टू द पावर 2। समझ में आया? तो ये तो हुआ कि जब आपको कहा जाए राइट डाउन हाफ सेल एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन तब आपको ये पूरा लिखना चाहिए, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं कहा जा रहा है तो क्या न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं। जब नहीं लग रहा है कि कुछ अलग तरीके का दिख रहा है तब आपको कीजिए ये, तो यहाँ गलती नहीं होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा उसके बारे में थोड़ा सा यहीं पर देखो, जैसे फर्स्ट में था ए इन सॉलिड स्टेट ए 2+ इन एक्वस फॉर C+ इन एक्वस फॉर एंड यहाँ C इन सॉलिड स्टेट, देखना कैसे कर रहे हैं, जो यहाँ A कन्वर्ट करा है किस में, A 2+ में, कितने का चेंजेज हुआ 2, यहाँ +1 कन्वर्ट करा है 0 में, कितने का चेंजेज 1, तो दोनों को बराबर करो, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 2। और जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा log ऊपर में प्रोडक्ट, तो देखो ये पार्ट प्रोडक्ट में चला गया, ये पार्ट यानी कि किसी भी हाफ सेल का पहला वाला पार्ट जो है वो रिएक्टेंट का और बाद वाला पार्ट प्रोडक्ट का, ये इसके रिएक्टेंट का और ये पार्ट किसका प्रोडक्ट का, तो सॉलिड को तो वही छोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना आ गया ए 2+ और नीचे में रिएक्टेंट साइड में कितना आ गया ये 1 और ये क्या है C+ और इसको किससे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो यहाँ C+ टू द पावर 2 हो जाएगा।
अभी जो हम लोग किए उसको हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं, जैसे यहां था ए इन सॉलिड स्टेट, ए टू प्लस इन एक्वस फॉर्म, सी थ्री प्लस इन एक्वस फॉर्म एंड सी इन सॉलिड स्टेट। आप बताइए यहां से यहां कन्वर्ट किया कितने का चेंज है, यहां से यहां कन्वर्ट किया इक्वल करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से, और इसे तो n का वैल्यू कितना होगा सिक्स, और जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लॉग ऊपर में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में a2 प्लस है और क्या है c इन सॉलिड, a2 प्लस और इसको मल्टीप्लाई किससे किए थ्री से, a2 प्लस टू द पावर थ्री और यहां पर आ जाएगा c3 प्लस टू द पावर टू। समझ में आया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लॉग टेबल का भी जरूरत पड़ेगा, पिछले क्लास में आपको लॉग बताए भी हैं कि लॉग और एंटी लॉग किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल का 3.1, यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। रिप्रेजेंट द सेल यानी कि इस बार में आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। अभी आप क्या कर रहे थे, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था और सेल रिएक्शन लिखते थे, और यहाँ पर उल्टा करना है और फिर निकालना है कैलकुलेट ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू भी निकालना है। जो पूछेंगे वो बताना, सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। अब बताओ तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एनोड कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका, एम जी कन्वर्ट करा है एम जी टू प्लस में, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड के रूप में काम कर रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, ये ए जी प्लस से कन्वर्ट करा है किस में, ए जी में। तो जब इनका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें बैलेंस नहीं किया जाता है, सिर्फ एनोड और कैथोड को लिखते हैं। तो एनोड में पहले मैग्नीशियम है, यहां लिख दिया मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट, फिर ये कन्वर्ट करा है एम जी टू प्लस में, तो यहां लिख दिया हम लोग एम जी टू प्लस। कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है 0.130 मोलर, ये लिख दिया साल्ट ब्रिज। अब कैथोड, देखो पहले कैथोड में क्या है, सिल्वर, यहां लिखेंगे ए जी प्लस, कंसंट्रेशन इसका कितना है 0.0001 मोलर, और ये कन्वर्ट करा है किस में, ए जी में इन सॉलिड स्टेट। अब यहां पर ये टू नहीं डाला जाएगा, वो टू तो बैलेंस करते वक्त में आता था, जो हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते थे वहां पर, इसमें ये नहीं आता है। यानी कि मैग्नीशियम कन्वर्ट किया मैग्नीशियम आयन में, ये एनोड के रूप में काम कर रहा है। सिल्वर आयन कन्वर्ट किया सिल्वर में, इसका मतलब ये कैथोड के रूप में काम कर रहा है। अब इसका ई सेल निकालना है, बोर्ड पर देखोगे ई सेल यानी नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं तो इक्वेशन बैलेंस किया हुआ है, देखो ऊपर में क्या लिखे एम जी टू प्लस, प्रोडक्ट यानी कि एरो के जो बाद में दिया हुआ है ये एम जी टू प्लस है, एम जी टू प्लस, यहां ए जी सॉलिड स्टेट में है, तो बताए थे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जगह पर क्या लिखा जाता है वन, यानी उसे कंसिडर करने का जरूरत नहीं, तो उसको छोड़ दिए। नीचे में रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या है ए जी प्लस, और आगे में नंबर कितना है टू, यहाँ ए जी प्लस का पावर टू आ जाएगा, ए जी प्लस टू द पावर टू। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग रखेंगे, ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू बताओ कितना, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ये Mg Mg2+ में कन्वर्ट किया टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये 2Ag+ टू इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि 2 लॉग मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.130, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो 1.3 × 10⁻¹ और नीचे में सिल्वर का 1, 2, 3, 4 तो 10⁻⁴ का क्या कर दोगे स्क्वायर। ठीक है यहां तक, अगले स्टेप में यहां ये 3.17 माइनस
इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.0295 लॉग, यहाँ ये 10^-4 है, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा -8, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो +8, 10^-1 और +8 कितना होगा 10^7, तो लॉग 1.3 × 10^7, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। अब याद कीजिए कैसे निकालना था, 10^7 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 7.00, और 13 के जीरो में देखो कितना वैल्यू है लॉग वाले पार्ट में 1139, यहाँ 0.1139 कितना आ गया वैल्यू 7.1139, ये वैल्यू आ गया। अगले स्टेप में आप लिखोगे 3.17 − 0.0295 × 7.1139, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है अगर तो आप ये भी कर सकते हो। (7.1139 × 0.0295) यानी कितना वैल्यू आ गया 0.2098 है, तो 0.2099 भी लिख सकते हैं, यानी 3.17 − 0.2099। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, 3.17 − 0.2099 = 2.9601, या 2.96 भी लिख सकते हैं 2.96। बोलो कहीं कोई दिक्कत, तुमको समझ में आया जो लॉग पूछ रहे थे वो लिखे, ध्यान दोगे तो बस सिंपल सुनना है, सबसे बड़ी चीज़ है आपको सुनने आना चाहिए, जब सुनने आ गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये क्वेश्चन है इंटेक्स का, क्वेश्चन देख रहे हो कि बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा एग्जाम्पल का था, यहाँ पर भी रिएक्शन दिया हुआ है, वहाँ एक पार्ट कर रहा था सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए, यहाँ नहीं कर रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे, कहेगा तब करेंगे। यहाँ सिंपल कहा जा रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल, यानी ई सेल का वैल्यू निकालना है, आप बताओगे हमें, हेल्प करोगे, वहीं से हो जाएगा जल्दी। अप्लाइंग नॉनस्टिक इक्वेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कोई दूसरा है, अगर दूसरा है तो इनका स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर करेगा। अप्लाइंग नॉनस्टिक इक्वेशन फॉर्मूला आ जाएगा ई सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल −2.303 RT/NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट साइड तो देखो तो प्रोडक्ट में क्या क्या है Ni2+ और 2Ag इन सॉलिड, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या बचा Ni2+, तो यहाँ लिख देंगे Ni2+, नीचे में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो ये 1, 2Ag+, तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे (2)। अब वैल्यू बैठाते हैं, E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.05 − 0.059 / N का वैल्यू बताओ 2, Ni2+ में कन्वर्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2+ कन्वर्ट किया, यानी कि N का वैल्यू 2 लॉग, ऊपर में निकल का कंसंट्रेशन देखो 0.160 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 × 10^-1 और नीचे में सिल्वर का कंसंट्रेशन तो ये 2 × 10^-3 है, तो 2 × 10^-3 होल स्क्वायर यानी 1.05 − 0.0295 लॉग, यहाँ आ गया, एक स्टेप और पड़ जाएंगे 1.6 × 10^-1 / 4 × 10^-6, ये 1.6 है और ये 4 है तो 0.4 times, ये 10^-6 को ऊपर में ले जाओगे तो 10^+6 और ये −1 कितना हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा 1.05 − 0.0295 log 0.4 × 10^-3
फाइव, 0.4 को देखो और लिख सकते हैं 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिखा जा सकता है। अब लॉग 4 का वैल्यू तो याद होगा आपको, लॉग 2 का वैल्यू कितना था 0.301, तो लॉग 4 का वैल्यू 0.602, और ये 10 का पावर 4 है तो आगे में चला आएगा, यानी 4.602, यानी ये वैल्यू आ गया 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4.602। देखो लॉग टेबल का जरूरत भी नहीं पड़ा, यहीं से निकल गया। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपके बुक का दिया हुआ है। चार क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 3.5 में। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ आपको लॉग टेबल भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ सीधा सीधा 10 का पावर क्या आ जाएगा 1, 2, 3 इस तरीके से करके, और जो आएगा वो। तो 3.5 का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों बगैर लॉग टेबल देखे हुए बनाया जा सकता है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा वो निकालने के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो वैल्यू दिया हुआ है वहाँ से आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे, तो फर्स्ट भी बनेगा सेकंड भी बनेगा। थर्ड में आपको लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा, SN का और हाइड्रोजन का, ये वैल्यू दिया हुआ है। मुश्किल होता है स्टूडेंट को तो ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये बनाइएगा। अगर लगेगा कि हाँ हमको नहीं आंसर आ रहा है या डाउट है तो आप बोलिएगा, तो हम यहाँ बना देंगे। बनाने में एक क्वेश्चन में हमको 10 मिनट के करीब में लगेगा टाइम, आप कहिएगा तो पूरा ही बना देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे, इतना जो क्वेश्चन आज सीखा है तो वो कहाँ आप यूज करेंगे, तो इसमें कीजिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। दिक्कत होता है फोर्थ वाले में, क्योंकि फोर्थ में आप देखो तो रिएक्शन भी कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले इस PT के बारे में बात करते हैं, प्लैटिनम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड है, याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बता दें कि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो उसको रॉड के रूप में तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ प्लैटिनम इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ में भी प्लैटिनम है और ब्रोमीन के साथ में भी है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ लिक्विड स्टेट में यूज किया गया है। दूसरा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लेकिन जो दिया हुआ है उसी के अनुसार से हमको यूज करना है। आप बताओ तो यहाँ पर एनोड कौन है, ब्रोमीन, और कैथोड कौन है, हाइड्रोजन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन। तो यहाँ अगर Br2 से Br- जाओगे तब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि Br2 का मतलब 0 और Br- का मतलब -1, तो 0 से -1 का मतलब रिडक्शन हो रहा है, जबकि एनोड पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी एनोड हाफ रिएक्शन लिखेंगे, वो लिखना पड़ेगा तभी सही बनेगा, एनोड हाफ रिएक्शन। तो यहाँ Br-, ये 2Br-, ये कन्वर्ट करेगा किस में, Br2 में, किस स्टेट में, लिक्विड में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2Br- का एक्वस फॉर्म, यानी कि थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ा, इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि ये एनोड है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा, कैथोड पर रिडक्शन होता है। आप बताओ कैथोड के फॉर्म में किसका इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोजन का। तो यहाँ लिखा जाएगा 2H+ इन एक्वस फॉर्म, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव H2, और ये किस स्टेट में आएगा, गैस में। आप में से कई लोगों को लगेगा कि सर ये 2 तो नहीं दिया हुआ था, यहाँ तो Br दिया हुआ है, बिल्कुल वही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, Br2। तो जब ये Br2 है, दो एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना, उसी तरह से यहाँ H2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर 2 डाला गया है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब जब ऐड करेंगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गया, कैंसिल। बाकी क्या बचा है यहाँ पर, 2Br- इन एक्वस फॉर्म प्लस 2H+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव Br2 इन लिक्विड स्टेट, H2 इन गैसेस स्टेट। ये हो गया, ये पार्ट आ गया रिएक्टेंट में और ये पार्ट चला गया प्रोडक्ट में।
अब हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल लेते हैं। ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। आप देखो तो अगर आपके पास में एनसीईआरटी बुक है तो ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 1.09। ठीक है, चलो यहां देखो तो ब्रोमीन काम कर रहा है किस रूप में, एनोड, और हाइड्रोजन काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म में। तो यहां कैथोड का लिख दिया 0 माइनस 1.09, यानी वैल्यू कितना हो गया, माइनस 1.09 वोल्ट। ये किसके लिए वैल्यू आ गया, इनॉट सेल के लिए। अब हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऊपर में प्रोडक्ट। तो देखो यहां जरा ध्यान से, प्रोडक्ट में कौन कौन है, Br2 किस स्टेट में, लिक्विड, Rh2 गैस। तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो इसके लिए भी 1 हो गया और इनके लिए भी 1 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे तो यहां आ जाएगा वैल्यू 1, और नीचे में रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट में क्या क्या है, Br माइनस ये भी एक्वस है, Rh प्लस ये भी एक्वस है, तो दोनों का लेना पड़ेगा, और दोनों के आगे में 2 है तो इनका पावर 2 हो जाएगा, यानी यहां आ जाएगा Br माइनस टू द पावर 2 इंटू एच प्लस टू द पावर 2। यही अलग है बाकी सब में से, बाकी सब में ऊपर में भी जा रहा था और नीचे में भी आ रहा था, लेकिन यहां पर एक ही तरफ में चला गया, क्योंकि एक साइड में प्रोडक्ट साइड में जो है वो लिक्विड में है, गैस में है, तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस के लिए हम लोग 1 लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, तो वो 1 हो गया। अब वैल्यू पुट करना है, बताओ तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू बताओ कितना हो, 2। क्यों 2, देखो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोमीन और इनका कंसंट्रेशन देखो तो ये 0.010 है, तो 10^-2 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3×10^-2, 3×10^-2। तो यहां पर लॉग 1 बाई ब्रोमीन की जगह पर 10^-2 का स्क्वायर, और यहां पर 3×10^-2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गया -1.09 -0.0295 लॉग 1 बाई ये 10^-2 कितना हो गया, 10^-4 इंटू 9×10^-4। तो 1 को डिवाइड करोगे 9 से, ये वैल्यू आ जाएगा 0.111। ये 10^-4 और -4 कितना हो गया, 10^-8। तो ऊपर में जाएगा तो 10^+8, यानी -1.09 -0.0295 लॉग 0.111 × 10^8। अब ये लॉग में वैल्यू निकालेंगे, रफ में कर लेते हैं, बोर्ड पर ही देखो थोड़ा सा, जो पूछेंगे वो बताना। इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आ गया लॉग 1.11 × 10^7। तो 7 का आ गया 7.00। अब 11 के 1 में देखेंगे 0.4053। अगर चौथा डिजिट भी ले लेंगे तो मीन डिफरेंस 1 भी देखना पड़ेगा, ठीक है, आप करीब करीब बराबर वही आएगा, यानी 7.0453। ये सारा काम आपको रफ में करना है या इसका वैल्यू दिया रहेगा। अब पुट कर देते हैं, यानी -1.09 -0.0295 इंटू यहाँ कितना आ गया 7.0453। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7.0453 इंटू 0.0295 यह आ गया 0.2078, यानी -1.09
माइनस 0.208 राउंडिंग ऑफ कर दिए तो यहां आ जाएगा माइनस 1.298 वोल्ट। ठीक है, नोट करें, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब जब यह पूछा है तब तब स्टूडेंट्स को फ्री में मार्क्स मिला है। फ्री में क्यों मार्क्स मिला है? क्योंकि यह क्वेश्चन में एरर है। क्या क्या एरर है जो समझो? एरर यह है कि ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू यहाँ माइनस में आया है, ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, ले रहा है। और ऐसा क्यों हो गया? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना है? जीरो। और ब्रोमीन का कितना है? 1.09। बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? ब्रोमीन का। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड के रूप में काम करता है, और जिनका कम है वो एनोड के रूप में काम करता है। तो यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन में एरर था, हाइड्रोजन को यूज होना था एनोड के रूप में और ब्रोमीन को यूज होना था कैथोड के रूप में, और अगर वो रहेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो लेकिन ये सही करके बनाने के लिए नहीं था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जिस किसी भी स्टूडेंट ने इसे अटेम्प्ट किया है उसको फुल मार्क्स मिलेगा। अटेम्प्ट करने का मतलब कुछ भी आपने लिखा है, क्वेश्चन नंबर वो लिखा है और बाकी कुछ भी एक्स वाई जेड आप लिखे हैं आपको अटेम्प्ट माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन अनटच्ड नहीं होना चाहिए, अनटच्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आता है या नहीं आता है? हाँ, जो आता है उसको पहले आप बनाइए, और जो नहीं आता है उसको कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे भी तो आपको नहीं आता है कि मार्क्स मिला, निगेटिव मार्क्स तो है नहीं, यहाँ खिसिया के मास्टर साहब माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसा नहीं। हाँ, बीच में अगर आप उस तरीके का गलत गलत लिख रहे हैं तो एक निगेटिव पार्ट काम करता है, दिमाग में आता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे ही बात बना रहा है, तो जहाँ मार्क्स मिलना था वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पहले वो सब लिखो जो तुमको आता है, और जब सब बना लिए उसके बाद में फिर जो नहीं आता है एटलीस्ट उसको टच कीजिए कि अगर क्वेश्चन में कहीं एरर रहेगा तब आपको मार्क्स मिलेगा। जब आप अटेम्प्ट ही नहीं लिए हैं तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा? तो सही क्या होना चाहिए था? जो फिर से एक वार्निंग, अगर एग्जामिनेशन में आया तो आपको यही बनाना है, माइनस में ही लाना है, आपको जानकारी के लिए कि क्यों ये गलत है और क्या करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको सुधार के खरखाई दिखाने लगे। ठीक है, जो कहा जाए बस उतना ही। ठीक है, लिखिए नोट में अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, इन दिस क्वेश्चन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन इज हायर देन The reduction potential of hydrogen. And therefore, hydrogen should act as anode. And bromine as cathode. The cell representation should be written as follows. As follows. यानी इनका ऐसे होना चाहिए था, प्लैटिनम इन सॉलिड स्टेट, H2 इन गैसेस स्टेट, H+। बता तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना था? 0.030 मोलर। Br2 इन लिक्विड स्टेट, Br- इनका कंसंट्रेशन 0.10 मोलर, और यहाँ भी प्लैटिनम किस रूप में? सॉलिड में। बोर्ड पर देखो थोड़ा सा,
इनका अगर एनोड हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो एच टू ये गैस है, कन्वर्ट करेगा किस में, टू एच प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस टू इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन में टू बी आर माइनस ये एक्वस फॉर्म में है, सॉरी बी आर टू है, पहले बी आर टू इन लिक्विड स्टेट इट विल टेक टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म टू बी आर माइनस इन एक्वस फॉर्म। दोनों को ऐड करेंगे, ये टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ क्या बताओ, लिखेंगे एच टू इन गैसेस स्टेट बी आर टू इन लिक्विड स्टेट इट गिव टू एच प्लस इन एक्वस फॉर्म टू बी आर माइनस इन एक्वस फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग E नॉट सेल का वैल्यू निकालते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बताओ यहाँ कैथोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.09 माइनस जीरो यानी 1.09 वोल्ट। अब इसमें प्रोडक्ट साइड में आ गया हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन जो कि ऊपर जाएगा, और रिएक्टेंट साइड में एच टू इन गैस और बी आर टू इन लिक्विड, यानी इसकी जगह पर क्या जाएगा वन। अब यहाँ पर नंस इक्वेशन यूज करो, अप्लाइंग नंस इक्वेशन, Nernst equation, E cell would be equal to a standard electrode potential of cell minus 2.303 RT by NF log, ऊपर में क्या लिखा जाएगा, H plus to the power 2 into BR minus to the power 2 divided by 1। अब बन जाएगा आपसे, बना लीजिएगा इसको, नोट कर लीजिए। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, तीन क्वेश्चन दिए, 3.5 का फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये चौथे का हाफ पार्ट जो है वो दिए हैं आपको। आधे घंटे के करीब में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बना लोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में सेल पोटेंशियल से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 9 मार्क्स का ये चैप्टर है तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर कोताही मत करो, ठीक है। 9 मार्क्स मायने रखता है, इस तरह का अगर दो तीन वो चैप्टर कर लिए तो फेल होने का डर तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है, कि फेल भी हो सकते हैं। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।